जानी इस वित्त जगह पे अज मैनू बुला के महापुरशा ने आशीर्वाद दिता, सन्मानित किया। मैं बहुत अपने आप में भागा वाला समझदा। सत्कारयोग बजुर्ग नौजवान वीर मावा भैन बच्चे बैठे ने, मेरी कैबिनेट के साथी सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस जी, साडे विधानसभा के डिप्टी स्पीकर MLA कर शंकर जय किशोर रोड़ी जी, रोपड़ तो MLA दिनेश चड्डा जी, और बलाचौर इलाके की सारी टीम, साडी आनंदपुर साहब की टीम, रोपड़ की टीम। अज इत्थे वख वख जगह तो महापुरश पहुंचे ने, जिहड़े कि अपने अपने तरीके नाल समाज की सेवा कर रहे हैं। कोई विद्या दे विच सेवा कर रहे हैं, कोई हस्पताल खोल के गरीबों के इलाज दे विच सेवा कर रहा है, कोई गरीबों नूं घर पा के जां उहनां दे रोजगार का प्रबंध करके सेवा कर रहा। हर किस्म का अपना अपना तरीका होंदा। सो मैं जिन्ने भी महापुरश इत्थे स्टेज ते पहुंचे ने, जम्मू तो भी आए ने, नगर वाले भी बैठे ने, और नाल जिन्ने भी महापुरश पहुंचे ने जगह तो वख वख जगह तो, मैनू अज बहुत सन्मानित महसूस अपने आप नूं मैं कर रहा। और मैं ये भी सोच रहा कि एडे एडे कथावाचक विचारक जिहड़े हर रोज मानवता का संदेश देंदे ने, जिन्होंने त्यागा होया सारा कुछ और जिन्होंने परमात्मा नाल लिव लाई हुई है, मैं उन्होंने सामने बोलूँगा कि सो मैं तो यही कहूँगा कि जो संदेश पंजाब की धरती तो पूरी दुनिया को जाता, वो मानवता का ही है। सरबत के भले की, सरबत की खैर मंगती साडी बाणी है। साडे जिन्ने भी पीर फकीर संत महापुरश शहीद होए ने, उन्होंने शांति का ते मनुखता का ही पैगाम दिता। ऐसे इलाके दे विच बहुत समा विचरे होणगे गुरु गोबिंद सिंह जी, जो खालसा दिवस की साधना उन्होंने की, खालसे की साधना की श्री आनंदपुर साहब, वह भी गरीबां दे हक दे विच खड़न लई ते जुलम दे खिलाफ लड़न लई। सो अज भी जे देखिए तां गरीब जिहड़ी है, गरीबी जिहड़ी है, हजे अलामत बन के साडे पिछे पई हुई है। 75 साल हो गए मुल्क नूं याद होया नूं, पर अनपढ़ता, गरीबी, बेरोजगारी, ये जिहड़ियां अलामतां साडे समाज दे विच, इहनां नूं ठीक करना पऊगा। और बहुत सारिया सरकारां ते लोकां ने यकीन किया पहला, पर नहीं पूरे उतरे। मैं इत्थे इस स्टेज ते, क्योंकि यह धार्मिक स्टेज है, यह सांझीवालता दी स्टेज है, मैं इत्थे कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, किसी का नाम लैके कोई निंदा चुगली नहीं करूँगा, पर मैं उस गल जरूर करूँगा कि किवें असीं सिस्टम दे विच पीड़े जाते रहे। उम्मीदां साडियां बहुत होंदियां रहियां, पर उम्मीदां टुटदियां रहियां। ना स्कूल बनिया कोई, ना हस्पताल बनिया कोई, ना सड़क बनी कोई, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आया, ना कोई फैक्ट्रियां लाइयां, ते किस्मत ते छड़ दिता गया लोकां नूं वी थोड़ी किस्मत है। बल्कि प्राइवेट वालियां नूं एक मार्केट बना के दे दिंदे सी कि असीं सरकारी हस्पताल जिहड़े ने उहनां दा इन्ना बुरा हाल कर देंगे कि उत्थे कोई नहीं जाऊगा इलाज कराउण, डरन लग जाणगे लोग सरकारी हस्पतालां तों, फिर उह मजबूरी बस उहनां नूं थोड़े कोल आउणा पऊगा प्राइवेट वालिआं कोल। ते प्राइवेट वालिआं नाल गल कर लैंदे सी वी फिर जिन्ने असीं भेजांगे उह चों फिर साडे इन्ना पैसा, मतलब मार्केट बना के देती प्राइवेट वालिआं नूं। इदां ही स्कूलां 'च कीता वी असीं सरकारी स्कूलां दा इन्ना सत्यानाश कर देंगे कि कोई बंदा उत्थे आपदा बच्चा पढ़ाउण दी हिम्मत नहीं करूगा, मजबूरी बस उहनां नूं सरकारी स्कूलां 'चों कढ के प्राइवेट 'च पढ़ाउणे पैणगे। तुसीं मन मर्जी दीआं फीसां लई जाइओ, साडा हिस्सा दे जाइओ। उहनां नूं वी मार्केट बना के देती, ट्रांसपोर्ट दे विच मार्केट बनाती,
सरकारी बसा घाटे च प्राइवेट आपदियां चला लिया आपदियां चला के उन्होंने सरकारी बस से एक मगर लाती एक मूहरे लाती कौन चढ़ता फिर सरकारी च जेड़े देश दा राजा व्यापारी उस देश दी जनता भिखारी जो राजा ही व्यापार कर लग गया फिर लोगों की बचूगा जी उ सो इस करके मैं थोनू कहना कि तुसी मेरे ते यकीन किया एक साल हो गया घर टिके नहीं बैठे हर रोज़ दो दो तीन तीन जगह पर जाने हर रोज़ पाँच पाँच सत्त सत्त मीटिंगा करते हैं एक भी फाइल लेट नहीं होंगी साइन करन करियो कोई कानून या कोई लोगों को कोई सुख सहूलत है वो फाइल तो मेरे साइन करन करियो खड़ी है इन्ने महीने हो गए ना एक सिंगल फाइल भी असी पेंडिंग नहीं रहने देंगे असं क्या जो लोगों का बनता है भी वो देना है बिजली की गल की घर की अद्धी कमाई बिजली चली जाती सी एक जुलाई तो बिजली फ्री की खास तौर पर गरीब परिवारों नाल असी यह कहता किलोवाट की कोई शर्त नहीं 600 यूनिट नाल कुछ जेडे जनरल परिवार ने उन्होंने भी बिल जो जीरो आन लग गए तो 2500 बच गया पहला मेरे को बिल लैके आते होंगे जो मैं MP हों संगरूर तो गरीब लोग मेरे को बिल लैके आते होंगे किन्ने का बिल दो बल्ब ने जी दो पखे ने बिल कि है जी 52712 रुपये इन्हें तो जी कदम अस पैसे कट्ठे देखे ही नहीं पता नहीं कितों पाते पुराना बकाया वह सो सारा कुछ असी क्लीयर किया और नाल बिजली बोर्ड ने पूछा थोड़े किन्ने पैसे देने ने ये दसो वो कहते जी इन्ने बनते हैं पहली बार होया 26 साल च कि बिजली बोर्ड का सारा पैसा देता जी असी 1 रुपया बिजली बोर्ड का नहीं रखना कि भाई तुसी भी चलाओ तुसी भी तनखाहां दिओ नवीं तारा पाओ नवे ट्रांसफार्मर रखो नवे ग्रिड बनाओ बिजली अज तो बिना जिंदगी अजकल अधूरी है सब तो वड्डी जिहड़ी गल है वो है पढ़ाई डॉक्टर भीमराव अंबेदकर जी ने कहा सी देख लो तुसी इन्ने गरीब घर जम्मे जो स्कूल जाते उदो छूआ छात का जो सीगा बोलबाला उन्हों पर क्लास च नहीं बैठन देंदे सी पर बह जाते फिर वो दूजे नूं पुछ के थोड़ा बहुत पढ़ते सी ते उस तो बाद इंग्लैंड चो MPhD की एक अमरीका चो PhD की तो उन्होंने गल कही डॉक्टर अंबेदकर साहब ने कि जिहड़ी विद्या है जिहड़ी एजुकेशन है सिक्ख्या है वह शेरनी दे दुद्ध वर्गी है जिहड़ा उहनू पीऊगा उहने दहाड़ना ही दहाड़ना है इस करके असी सरकारी स्कूलों का काया पलट कर रहे हैं मंत्री साहब बैठे ने सरकारी स्कूल इन्ने शानदार कर देंगे कि मर्जी थोड़ी होगी बच्चे नू प्राइवेट च पढ़ाना है जां सरकारी च पढ़ाना है पढ़ाई च कोई फर्क नहीं होगा इन्ने फर्क हो उधर फीस लगू इधर फीस भी नहीं लगनी इस बार पंजवीं का रिजल्ट आया हजे छेवीं सत्तवीं अठवीं के नतीजे वो चल रहे ने एडमिशन किन्ने मंत्री साहब किन्ने वधे ने 1 लाख अज तक पिछली बार नालों जो यकीन बनाने की गल होंदी है लोगों का यकीन बनता जाता यार हाँ स्कूल ठीक करनगे बंदे ये लगे हुए ने अज तक मैंने मंत्री साहब ने दस्या 4% का वाधा हो गया जानि कि 2 लाख स्टूडेंट पिछली बार नालों ज़्यादा आए ने सरकारी स्कूलों और ज़्यादा आए ने तो असं उन्होंने पढ़ावे असी विश्वास टुटन नहीं देंगे मापिया का भी कह यार साल खराब कर लिया चलो वापस कितने होर ही लाने हाँ सो ये पिछली बार तो बंद होने के किनारे हो गए स्कूल सो इस करके जे नीयत साफ हो कुछ भी हो सकता फिर रब भी साथ दिता है जे नीयत साफ हो पर इन्होंने की लेना सी इन्होंने आप तो है पढ़े ने पहाड़ा ने स्कूलों पंजाबी आउंदी नहीं ना आ जिहड़े अपने वारस बने फिरदे ने पंजाबी है ही नहीं ना दून च पंजाबी है ना सनावर च पंजाबी है ना किसी डलहौजी के किसी स्कूल च पंजाबी है ये उत्थी पढ़े ने जे लै जे पंजाबी पढ़े होंगे फिर 2.5 नूं 2.5 क्यों कहते आउंदी नहीं हाँ 2.5 नूं 2.5 कहते हैं जो पता ही नहीं
कदे एक दूनी दूनी दो दूनी चार तीन दूनी छे पढ़े ही नहीं कदे ना पहाड़े पढ़े ने ना गुणा किया ना अं आ गए बापू है बह जा बैठा कुर्सी से बह जा असी आए थलों असी आए बोर वाले टोया चो बरोजा ला ला के पटिया पख्या दिया चैन डोरिया बदल के आशे ट्रैक्टर के हैंडलों तो बाह तड़ा के असी उतों आए हाँ। हाँ जी दो बजे टुटी हुई है जी देख लो बिंगी है वो बैक मार देना जे चक्कर ना बन दस पहला साढ़े तो ऐ मार इतों कर देंदा लो तुम ऐ करो शर्त ला लो आ कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सुखबीर बादल टस पुछ के देख लो की होंगी है टस पता ही नहीं कदे गए हुण तो पता लगे आ हुण परमात्मा ने एक मार मारी बेमौसमी बरसात हो गई गड़े पै गए उधर तो बहुत बाब रोला खतरनाक आया फाजिलका वल गरीबों के घरों छत्तां ही उड़ गईं मैं कहा जी 20 दिन च पैसे देवे तेरे 15,000 रुपया किला देवे 75 तो 100% वाले नूं ते बाकी सारे 6,800 रुपया किला देवे मैं 20 दिन च पैसे दे दा कहते जी मन जा मनता नहीं वह भी सही ने पहला यकीन टुटे हुए ने जी दुध का फुकिया लस्सी नूं फूका मारदा मैं कहा जी कोई देख लियो आ 13 अप्रैल 40 करोड़ रुपया जारी किया कल फिर 30 करोड़ तो वध पैसे जारी किए हर रोज़ 30-40 करोड़ रुपया उन्होंने खात्या चाहिए जाता है फसल हजे खेतों चाहे पैसे खात्या चाह गए जे पैसे देने ही ने तो उदों दो ना जो लोड़ है जे मलम लाउणी है उदों ही लाओ ना जो जख्म है अल्लाह जे जख्म च ही कीड़े पै गए फिर तुम कह मलम लाते फिरते उत्ते यह गरीबों को कदे भी सोचते 1,20,000 रुपया असी घर ढहण का दिता है बहुत सारे घर गरीब परिवार 1,20,000 रुपया पहले तो उन्होंने तंबू च रख्या होया उत्थे हुण उन्हां दा घर पा के देवांगे मैनूं पता है जी असीं आप दिहाड़ियां पुछण जांदे रहे हां साडे ओह परिवारां वांगू ने ओह परिवार बहुत बुरी हालत हजे भी मैं पिंड जाना जदों हजे भी वह चाचियां ताइयां मेरियां मिलदियां ने इत्थे सिर दे विच इन्नू दे निशान बन गए क्योंकि हर वक्त सिर ते तसला सवेरे गोहे वाला तसला रहिंदा उस तो बाद चरी दी पंड आ जाती है उस तो बाद लकड़ा वाला जिहड़ा भरी आ जाती है हर वक्त सिर ते इन्नू रहिंदा उहदे नाल निशान पै गए जी सिर च अगली पीढ़ी भी आई दिहाड़ियां ती क्यों किन्ना चिर इहदे वास्ते इक्को ही तरीका है कोई सरकार गरीबी दूर नहीं कर सकती सिर्फ इक्को ही चीज़ है उच्च विद्या पढ़ाई सिक्ख्या गरीबों के बच्चे पढ़ा दो बच्चे पढ़ के अफसर बन जाएंगे अपने घर की गरीबी चक देंगे उही चकणगे गरीबी जिहड़ी एक एक ही करदे गरीबों वल तां देखदे ही नहीं इहदा सबसिडियां दिंदे बड्डिया नूं अरबपतियों नूं शीशिया उत्ते धूड़ा जम्मिया कंधा झाड़ी जांदे ने गरीबियां बेड़े च रहिंदियां ने सबसिडियां बड्डिया नूं शीशिया उत्ते धूड़ा जम्मिया कंधा झाड़ी जांदे ने जिल्दां सांभी जांदे ने वरके पाड़ी जांदे ने जौंदियां दे गल लीरां लमकण कोई पुछदा नहीं मरियां उत्ते तिल्ले जड़ियां चादरां चढ़ी जांदे ने ओए उन्हां दा भी तू ही रब है मैनूं जवाब तां दे जिहड़े दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी जांदे ने गरीब दी कदे दिवाली है जी गरीब की कादी दिवाली है जी वह जो काम से जाऊगा तो रोटी पकू नहीं रोटी नहीं पकनी होनी तो उद्दे गरीब का जवाक तो बगाने आतशबाजिया बगाने के पटाखे देख के मन परचा लें सो भीरो चीज़ बड़ा दुख देती है कि 75 साल हो गए याद हो हजे आ खड़े हाँ हजे उत्थी खड़े हाँ हूँ तुरन लगे हैं थोड़ा जहा तोरा पै हूँ ली तो चाढ़ी है गड्डी पंजाब वाली बड़े बंद फड़िया भी है अडे अडे और करप्ट वजीफा खा गए दरख्त खा गए तुसी देखो आपदी बरादरी के बंद वजीफा खा गए आपदी बरादरी के बच्चों का वजीफा खा गए जी वो कहिंदे सतघर तो डैन भी छड़ दिंदी है बरादरी तो बख्श देंदे प्री मैट्रिक ते पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जिहड़ी मिलदी है तो पैसा खा गई
जंगलात महकमा दे तां सारे ही दरख्त खा गए। पहला बढ़न वेले खा गए दरख्त भी इन्ने पैसे, एक दरख्त बढ़न दे ओदी थां ते लाउणे सी, फिर लाउण चो भी पैसे हमाल है। इह तां गल हो गई जंगल च वोटां पईआं, कुहाड़ा जित गया जी, कुहाड़ा जित गया, सब तो वध वोटां उहनूं दरख्तां ने पईआं। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਢਦਾ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ, ਲੈ ਹੱਥੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਹਾੜੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਬੈਠੇ। ਉਹਨੇ ਵੜ ਵੜ ਜੰਗਲ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਐਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੜਦੇ ਆ। एक हुशियारपुर वाला इंडस्ट्री मिनिस्टर सी, चलो फड़ लिया पैसों के भ्रिष्टाचार के केस, तलाशी ले कर दी। हुण भ्रिष्टाचारी के घर तो वधिया सोफे होणगे, वधिया बड़े बड़े टीवी, बहुत आलीशान बाथरूम बैडरूम, ये तो होणगे। एक चीज़ होर मिली जिदे नाल हैरानी होंदी है ते दुख भी होंदा। ਘਰੋਂ ਘਰੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ? ਨੋਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ 15 ਲੱਖ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜੂਗਾ ਹਰੇਕ ਘਰੇ, ਉਦੋਂ ਭਾਅ ਪੂਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਿਣਨੇ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਚਲ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਜੂ, ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਮਸ਼ੂਨ ਮੰਗਾ ਲਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੋਫੇ? ਉਹ ਆਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿੰਗ ਬਣੇ ਵਾਲੀ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛੋ। ਆਹ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ। ਪੇਪਰ ਦਿਓ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਫਲਾਣੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਡੇ MLA ਕੋਲ ਗਿਆ 2 ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਮਿਠਾਈ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਨਰਸ ਲੱਗ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ MLA ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਇਆ ਜੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ। ਉਹ MLA ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਆਟਾ ਦਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ 2, ਅਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਹੈ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ, 9-11 ਅਤੇ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਾਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਓ?
अमीर कौन है इन्होंने दोनों? सियाने कहिंदे ढिड दा भुखा रज जांदा, नीत दा भुखा नहीं रजदा। ये नीतां वाले भुखे सब तो गरीब ने, ये नीतां दे भुखे ने सारे, ये नहीं रजदे। कितने घट पैसे इन्हां कोले, इन्हां दियां कितने आने वालियां पीढ़ियां 500 रुपये के नोट की एक बुरकी बना के भी खाण लग जाण, तां भी नहीं मुकणे कई 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 जन्म। फिर फिर नहीं हटदे ना किसी की, मतलब रे रेहड़ियों भी हिस्सा पा लेंगे ने, भी फलानी समोसे वाली रेहड़ी च फलाने का हिस्सा है। लोग भी मनन लगे हाँ पा लिया हो पा लिया हो, लोग भी नहीं गुस्सा करते हूँ पा लिया हो। उधर दूजे पास भटूरे वाली रेहड़ी भी इन्होंने दबी है, कल वो दो रेहड़ियों का एड्रैस होर दे दिंदा। आ लीडर की साढ़िया की यह बन गई इमेज, लीडर होंगे है लोगों के संकट वेले काम आन, बांह फड़न उन्होंने, लोगों के धियां पुतों नौकरियां देन, चुल्हे की अग बचा, उन्होंने बिजली पानी तो उन्होंने इलाज वास्ते प्रबंध करना, वो होंगे लीडर। यह आपके इलाज बड़े बड़े महंगे, गरीब मरो खपो जाओ जिधर मर, किस्मत। सो संत राम उदासी बड़े बड़े शायर होए ने साढ़े इलाके तो, रायसर पिंड है बरनाले को ठीकरी वाला को, इनकलाबी शायर होए ने, गरीबों वास्ते लिखा सारी उम्र, सरकार ने टॉर्चर बहुत किया उस वेले। वह कहिंदे आ मां धरती, मैं कॉलेज के विच गाउंदा रहा कविता और गा के बहुत कॉलेजों चो मैं गोल्ड मैडल जितते, क्योंकि गल ही इहो जिहियां लिखिया हुई उन्होंने गरीबों बारे। मां धरती तेरी गोद नूं चन्न होर बथेरे, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, जिथे तंग ना समझण तंगियां नूं, जिथे मिलन अंगूठे संगियां नूं, जिथे वाल तरसदे कंगियां नूं, नक वगदे अखां चुन्नियां ते दंद करेड़े, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, जिथे हार मन लई चावां ने, एक कूंज घेर लई कावां ने, धीआं हौंके भर दियां असमान जुडेरे, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। एड्डी एड्डी गल्लां उन्होंने लिखिया, जिथे टकियां दी मीरी पीरी है, जिथे जमदा ही बंदा सीरी है, जिथे करजे हेठ पंजीरी है, बापू दे करज दे सूद पुत जमदे जेड़े, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। सो वीरो यह सूरज साहब का सांझा है, इन्हों आप जे अमीर ने बड़े बड़े महल पा के गरीब की छा सूरज हिस्से का सूरज भी रोक लिया, वो हिस्से दिया धुप भी रोक ली उन्होंने। सो यह सूरज जोड़ा है सच का सूरज जोड़ा है वह आप चढ़ाने पंजाब, सहयोग थोड़ा चाहिए, असी हाजिर हाँ, मैं हाजिर हाँ, मेरी सारी टीम हाजिर है। जिथे गलत होए सानू बांह तो फड़ के रोक लियो, बड़े बड़े महापुरश बैठे ने, मैं ता करके आशीर्वाद लैन आया, हौसला बढ़ जाता है संगत करने, बड़े तजर्बेकार लोगों की बजुर्गों की संगत करने थोड़ा आपका तजर्बा बढ़ जाता है। तुसी शरीरक तौर पर भावें जिन्ने मर्जी साल दे, जे किसी संत महापुरश नाल तुसी सत्संग कर ली, तुसी दिमागी तौर पर तुसी आपदी उम्र शरीरक तौर नालों वड्डे हो जाने, तुहाडे कोल तजर्बा हो जाता। सो चीज़ मैं अज तुहाडे नाल सांझी करन आया कि कोई पैसे की कमी नहीं हुंदी जी जे सरकारां च होण, कोई खजाना खाली नहीं हुंदा जे सरकारां च होण, नहीं तो जिहड़ा आउंदा खजाना खाली खजाना खाली, मैं कहा जिहड़ा ही खाली है खजाना, क्योंकि उन्हें पीपा कहो नूं फिर। सो असी आके हिसाब किताब किया, करजा कुरजा तो बहुत चाढ़ गए पुरखे साढ़े, आम तौर पर की हुंदा पुरखे बजुर्ग साढ़े कोई 15 किले जमीन छड़ के जांदा है, कोई कोठी छड़ के जांदा है, कोई बैंक च पैसे FD करा जांदा आपदे जवाकां दे नां ते, वह कहिंदे साढ़े पुरखियां वल्लों आई है, तो मैनू जे पुछण पत्रकार पुरखियां वल्लों की आया, मैं कहूँगा जी 3 लाख करोड़ का करजा छड़ के गए ने जी साढ़े पुरखे, होर कुछ नहीं छड्डिया। मैनू समझ नहीं आउंदी ना कोई हस्पताल बनाया, ना यूनिवर्सिटी बनाई, ना कॉलेज बनाया, ना सड़क बनाई, तो फिर 3 लाख करोड़ का करजा लै कित्थे लिया, गया किधर? हो जदों फिर लभण लगे फिर सानू पता लग्या भी कुछ तो पहाड़ियां जी पे इन्हां च बहुत पिया, हजे वो चंडीगढ़ तक लगदियां नाल, ये उत्थे देखियो तुसीं कढ़ांगे, हजे आने वाले दिनों बहुत कुछ निकलू। 9063 एकड़ जाने के 9100 एकड़ जमीन बड़े बड़े रसूखदारा ते राजनीतिक लोगों ने जिहड़ी पंचायतों की ते फॉरेस्ट ऑफिस की दबी हुई सी वो छड़ा ली, असी 9100 एकड़
वह 9100 एकड़ चो 1500 एकड़ फॉरैसट की है, लगभग 7500 एकड़ पंचायतों की है। पंचायतों की तो मतलब की हो 7500 चो 2500 एकड़ उस दलित परिवारों का हिस्सा है, क्योंकि तीजे हिस्से का उन्होंने हिस्सा बनता इस कानून मुताबिक, तो उन्होंने भी 2500 का ठेका मिलया करूगा, हम ठेका उन्होंने भी मिलेगा। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूल बनाते, कौन पढ़ता उत्थे? गरीबों के बच्चे। इन्ने शानदार स्कूल ने कहते जाके देखो दिल्ली सरकारी स्कूल च, इक्को बेंच ते जज का मुंडा, डीसी का मुंडा, झुग्गी झोपड़ी जा रिक्शे वाले का मुंडा इक्को बेंच ते बह के पढ़न लाते केजरीवाल ने। इक्को किताब, पहला सानू किताबें ही नहीं मिलदियां सी, वो जिहड़ियां अफसर बनाउंदियां ने, सानू टीचर ही नहीं मिलते सी, वो जिहड़े अफसर बनाउंदे ने, हुण असीं टीचरां नूं भी ट्रेन कर रहे हैं, सिंगापुर भेज के उन्होंने ट्रेनिंग दवा के इत्थे आके पढ़ाउण, वो इत्थे आके आपदे नाल दे टीचरां नूं भी दसण कि आह तरीके आ गए नवें नवें दुनिया च। सो तरीके बदलने पैणगे, समय का हानी बनना पऊगा, आ सोच लैके थोड़े बिच खड़े हाँ, नहीं तो अज के जमाने थोड़ा पता ही है भाई नूं भाई मारी जांदा, हर रोज़ खबरां पढ़दे हां, लालच बहुत बढ़ गया, जमीनां दे झगड़े, छोटे छोटे पानी पिछे लड़ पे, बोर पिछे लड़ पे, मतलब बाली ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए, वस्तु पदार्थवादी हो गए, पर जिहड़ा तुसी नेरी च दीवा जगा रखे महापुरशां ने, यही दीवा जिहदे करके चली जांदा कि भाई ना ऐ ना करो, 1% 2% तो असर होंदे ही हो। सो थोड़ी जिहड़ी मानवता प्रति जिहड़ी सोच है, वह जिवें कहिंदे वी कि किसी ना किसी बलदे सिंह ते धरती खड़ी है ना, फिर कोई ना कोई तो है इत्थे जिहड़ा पुन्न करन वाला, जिन्हां करके चली जांदा सिस्टम। नहीं, इन्हां ने तो कख नहीं छड्डिया सी, आपदे पुत भतीजे चाचे ताए जीजे साले सारे ला रखे सीगे लुटते, हुण उह बंद हो गई उन्हां दी, ते हुण उह मैनूं गालां कढ्ढन लग गए। बस उन्हां नूं ये नहीं हैगा कि फलानी पार्टी क्यों जित्ती, उन्होंने ये है कि आम घर का मुंडा मुख्यमंत्री वाली कुर्सी से क्यों बह गया, इतने साढ़े धियां पुत बह रहे होंगे, बस आप कर एक उन्होंने ये है, मैंने तो सारा पता है, सरकार भी चलानी आँदी है, ग्रांटा भी देनिया आदियां ने, पैसे भी जितों लियाने ने लियाने आते हैं, टैक्स भी इकट्ठा करना आता, तो लोगों से वो टैक्स लाना भी आता, ये तो फिर हम छड़ना नहीं है। तो मैं क्या जी, मैं नहीं, मैंने तो लोगों ने बिठाया, जिदे लोगों का मेरा पेन जोड़ा लोगों के हक चलनों हट गया, मैनू भी ला देंगे, ये कहना मैं कोई ठेका ले लिया उसका कुर्सी का, यदा लोगों का जी पब्लिक है, लोगों ने मेरे से यकीन करके देखा भी देखते, भला ये की करता है, जे यकीन 4 साल अगले 4 साल होर पैने उस यकीन बनूंगा तो तुम दोबारे पा दोगे, नहीं तो तुम कोई हिस्टरी कराई है भाई, जो मर्जी जिधर मर्जी हो जाओ, लोकतंत्र है। सो पर इन्ना क्या मैनू कि मैं रोज़ ये पता करता रहना कि कित्थे लुट हो रही है, गरीब का पैसा कित्थे लुट्टिया जा रहा है, जां पहला लुट्टिया वो फिर हिसाब करांगे आपां, वो तो नहीं छड्डदे असीं जी, उन्होंने लख कही जाना ऐ कर दे वो कर दे, असीं जिन्हें पैसा लुट्टिया उन्हें छड्डना नहीं, वो पैसा ब्याज समेत वापस लैके लोगों की लाना है, थोड़े की लाना है, असीं कोई माफिया बनाना है, असीं कोई आपके भूआ के मुंडे जां मासी के मुंडिया नूं कोई वो करन ना, आम परिवार चों आए हां, लोगों से पैसा लगेगा, वो लगी भी जांदा है। सो यह गल मैं थोड़े नाल करना आया, क्योंकि आपने की किया ना, आपां नूं पता ही नहीं लगन दिता भी कदों अपनियां जेबां कट गए, थोड़े टैक्स का पैसा है जी जिहड़ा साढ़े कोल खजाने च आउंदा, तुसीं कहोगे भगवंत मान किहो जिहियां गल्लां करदा, असीं तां कदे टैक्स दित्ते ही नहीं, लै मैं दस्सदा तुसीं कदों टैक्स दिंदे हो, तड़की उठदे हो तो मामा भैणा चाह धरदियां ने अमृत वेले, पत्ती पाने टैक्स, चाह पत्ती ते टैक्स है, खंड पाने टैक्स, दुध पाने टैक्स, उस तो बाद आटा गुंदे आटे ते टैक्स है, उस तो बाद कोई दाल दाल धर ली दाल ते टैक्स है जी, उस तो बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट किया निकले थोड़ा जिहा इधर नूं पेट्रोल ते डीजल ते टैक्स है जी, मोबाइल फोन किया किसी नूं टैक्स है जी, आउंदे होए सब्जियां लियांदियां होर घर दा हल्दी लूण मिर्च लियांदा टैक्स है जी,
रात नूं रोटी खा के टैक्स, पखे थले आके मंजे ते बह के सौण वेले थोड़ा जिहा कहने हो शुक्र है हुण कोई टैक्स नहीं ना, गलत फहमी चो तां पखा चली जांदा है, टैक्स है। तुसीं तां 24 घंटे टैक्स देई जांदे हो जी, फिर खजाने किवें खाली हो जांदे ने जी। एक पिंड दे विच मझां चोरी होण लग गईआं, हैगा भी अपना है एरिया गुजर बरादरी ज़्यादा इधर बलाचौर वाले पासे, लवेरियां चोरी होने लग गई। एक दिन की होया, दो मझां चोरी हो गई रातों रात, एक दिन एक माइक चोरी हो गई, अगले दिन फिर एक चोरी हो गई। उस पिंड च किते कोई साधु महात्मा बैठा सी डेरे ते, लोग कट्ठे होकर उहदे कोले गए, बाबा जी महापुरशो तीजा नेत्र खोलो, सानू थोड़ा जिहा दसो, साढ़े तो मझां चोरी होने लग गईआं, ये तो सारा पिंड खाली हो जूगा, दसो सानू थोड़ा जिहा की करिए, किवें फड़ीए चोरां नू। तां साधु महात्मा ने एक मंत्र दिता, कहिंदा ऐ करो एक चादर लै लिओ, चारे कन्नियां फड़ के चार जाने खड़ जाण, तां करके गुरुद्वारे च अनाउंसमेंट कर दो, उहदे थल्लों दी चादर दे थल्लों दी सारे पिंड नू लंघा दो। जदों ही जिहड़ा मझां चोरी करन वाला चादर दे थल्लों दी लंघिआ, उत्थे ही धड़म देने डिग पूगा, वो मर जाऊगा। गुरुद्वारा साहब अनाउंसमेंट करके चार बंद ने चादर फड़ के खड़ गए, लंघी गए, बच्चे लंघ गए, बुढ़िया लंघ गई, कुड़ियां लंघ गई, मुंडे लंघ गए, बजुर्ग लंघ गए, सारा पिंड लंघ गया जी चादर के थलों, कोई नहीं मरिया जी। वो फिर बाबे को गए, बाबा जी कहते आह की दस्या, तो सारा पिंड लंघा था, जिहड़े रिश्तेदारियों गए हुए थे वो भी चक लैंदे ट्रैक्टर ट्रालियां भेज के, भी कोई रह ना गया हो, तो मरिया तो कोई है नहीं। तो साधु महात्मा जी ने पूछा चादर किनू फड़ाई सी, वो कहते फलाना फलाना फलाना, कहते फिर मझां चोरी करन चोरां तो तुसीं चादर फड़ा रखी है, चोर लभी जाने आप दे चो, तुसीं चोर आप दे चो भाली जाने, आही अपने मुल्क का हाल है, चादर चोरां नू फड़ा रखी है, चोर आप दे आप चो भाली जाने, भी कौन है। जदों चादर इमानदार बंदे दे हत्थ आ गई ना, फिर यह मुल्क जिहड़ा है वो नंबर वन मुल्क बनूगा, गरीबी भी चक्की जाऊगी, पढ़ाई भी होगी, रोजगार भी मिलेंगे। सो मैं तो यही अरदास करता हूं, अज भी मैं गुरु रविदास जी के दर पर आया, जिन्हां ने मानवता का संदेश दिता, जिन्हां ने हर एक नू अन्न मिलने का संदेश दिता, भी कोई भुखा ना सौवे, कोई ढिडो भुखा ना सौवे, सब नू अन्न मिले, सारे प्रसन्न रहन, इस संदेश ने गुरु साहब। सो इस करके मैं तो यही अरदास करदा कि परमात्मा बल बख्शे, बुद्धि बख्शे, कि साडा जिहड़ा जिम्मेवारी है उन्हों निभाउण वास्ते कोई गलती ना होवे, लोगों के कम आईए, दुआवां लईए, लोगों दीआं उन्हां दुआवां दी कोई दुनिया की करंसी च कीमत नहीं हैगी। मैं अन्ना ते तिलकण रस्ता, मैं अन्ना ते तिलकण रस्ता, देवे कौन संभाला, धक्के देवण वाले बहुते, एक तू हथ पकड़न वाला। सो परमात्मा हैगा हथ पकड़न वाला, वो तिलकण रस्त्या ते भी तिलकण नहीं दिंदा, भावें धक्के देने वाले जिन्ने मर्जी होण। मेरे वल्लों यही अरदास है पंजाब लई, पंजाब च अमन शांति बनी रहे, पंजाब दे लोक तरक्की करन, घरां चों गरीबियां चक्किए, घरां च खुशियां खेड़े आउण, तंदरुस्तियां होण, और थानू जिहड़ा लाइन च लग के वोटां पाईआं तुसीं, वो लाइन च लग के एक बारी तुसीं बटन जिहड़ा दबिआ, असीं इह कहिंदे सी जिहड़ा बटन दबोंगे, साडे वाले बटन दबोंगे, तां तुहाडा समझ लो तरक्की वाला बटन दब लिया, तुसीं आपदे जवाकां दी किस्मत चमकाउण वाला बटन दब लिया। ये गल हुण असीं साबित करन लगे हाँ, भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब दा, सो नग जिहड़ा उहनूं हुण चमकाउणा है, ते रंगले पंजाब दी झलक थोड़ी थोड़ी थोनू नज़र आउण लग गई। एक साल ही होया हजे, साल बाद हुण देखियो आउण वाले दिनां च थोनू यही पंजाब जिहड़ा गिद्धे भंगड़े और यही पंजाब जिहड़ा खुश, ते पंजाब देश दा नंबर वन सूबा बनूगा, ये मेरी तमन्ना भी है ते मेरी कोशिश भी रहेगी। तुसीं इन्ने प्यार नाल सत्कार नाल सुनिया मैनू, वो कहिंदे आ कि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। सो मिलते रहेंगे, जिथे बुलाओगे आते रहेंगे असीं।
ते बहुत बहुत थोड़ा गर्मी दे विच इत्थे बैठ के मैनूं मान दिखा दिता, बहुत धन्यवाद। तंदुरुस्त रहो, तरक्कियां करो, बहुत बहुत मेहरबानी। और श्री गुरु रविदास जी और डॉक्टर अंबेडकर साहब दे जिहड़ा कल जन्मदिन सी तो विसाखी, सो ये साढ़े त्यौहार जिहड़े ने साढ़े जिहड़े बड़े बड़े साढ़े जिहड़े विद्वान होए ने उन्हां दे जन्मदिन मनाउणे चाहीदे है। मैं तो हुण सारे ऑर्डर किया कि पंजाब के किसी भी दफ्तर च मेरी फोटो नहीं लगेगी, मुख्यमंत्री की फोटो लगती होंगी सी पहला, फोटो लगेगी तो बाबा भीमराव अंबेडकर की, शहीद भगत सिंह की, सारे दफ्तर लगी हुई है। असं उन्होंने सोच को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।